मोजाइक मैग्ना लिक्विड जिंक को आप कोटिंग के लिए आपने एक्सपीरियंस कर ही लिया कि यूरिया पे कोटिंग करके आसानी से छिटका मारा जा सकता है। ये सेम प्रोडक्ट आपका इसमें स्प्रे के लिए भी सेम प्रोडक्ट सुटेबल है। अगर स्प्रे के लिए आप देखना चाहते कोटिंग किया आपने, पानी नहीं छोड़ा यूरिया ने, राइट, पूरी कोटिंग हो गई अच्छी तरीके से, आपने छिट्टा मारने में आपने चेक कर लिया। अगर हम स्प्रे के लिए बोले तो सेम प्रोडक्ट हमारा स्प्रे के लिए भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ जस्ट गुरुदेव जी। तो प्रोडक्ट को यूज करने से पहले एक बार जैसा गुरुदेव जी ने किया उसको सेक जरूर कर लें एक बार, क्योंकि डेंस कंसंट्रेशन होता है इसका। और अगर जैसे ये पानी है अभी आप इसमें देखेंगे कि जैसे ही स्प्रे के लिए आपने भी कोटिंग का आपको एक्सपीरियंस अच्छा है इसका, जैसे ही आप देखते हैं जैसे ही ये पानी में गिर रही है वैसे वैसे अपने आप खुलना शुरू हो जाएगी। मतलब मोजाइक मैग्ना लिक्विड जिंक में ये टेक्नोलॉजी है जो दोनों के लिए सुटेबल है कि आपने कोटिंग का एक्सपीरियंस देख लिया कि कोटिंग की आपने आसानी से कोटिंग हो गई बिना पानी के, जैसे ही ये पानी में डाल रहे हैं वैसे ही देख रहे हैं अपने आप से घुलना शुरू किया। अभी हमने इसको स्टिर भी नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी खोला नहीं है। अगर हम इसको एक बार ऐसे घोल देते हैं ठीक है, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से कंसंट्रेशन एक बराबर हो गया, आसानी से घुल गई। मतलब ये स्प्रे के लिए आपका कंसंट्रेशन तैयार है, क्योंकि मोजाइक मैग्ना लिक्विड जिंक का जो हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं नॉर्मली 1 से 1.25 ml एक लीटर पानी के हिसाब से करते हैं। कुछ फसलें हैं जिसमें 1.5 ml तक की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये आप देखेंगे पूरी तरीके से आप दूध जैसा आपका इसका कंसंट्रेशन बन गया, मतलब पूरी तरीके से घुल गया। अगर हम इसमें उंगली डालें बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता, मतलब पानी में पूरी तरीके से ये घुल गया। तो ये कोटिंग के लिए साथ साथ में सेम ही प्रोडक्ट आपका मोजाइक मैग्ना लिक्विड जिंक आपका स्प्रे के लिए भी है। स्प्रे में देखेंगे जैसे ही आपने देखा अपने सामने कि पानी में जैसे ही घोला तो आप जो बच जाती है जिसमें आपको स्प्रे करना है उसमें आसानी से सेम प्रोडक्ट को आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है।